एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड असीम भादो दिस साइड। कैसे हैं आप सब लोग? वेल एनीवेज, आपको पता है कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी थाईलैंड पैकेजेस पे, राइट? तो उसमें से कुछ सवाल उभर के आए थे हमारे सामने, तो उन सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ अब, क्योंकि मेरी उनसे दोबारा बात हुई है इस बारे में और कुछ क्लैरिफिकेशन मैंने उनसे मांगी। इसके अलावा कोटेशन है, कोटेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर बात करते हैं फ्लाइट्स की, तो फ्लाइट्स का अभी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। मैंने उनसे भी कंफर्म किया है MMT से, तो अभी जो अप्रूवल है, एक्चुअली जो ट्रैवल बबल का अरेंजमेंट होना है, प्रोग्राम है, वो पेंडिंग पड़ा है DGCA पे, डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो कुछ ऐसा सा है, बट एनीवेज चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर टाइमली ट्रैवल अपडेट्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। ओके गाइस, तो मैं हूँ यहाँ पे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और पहला सवाल लेते हैं, डज इंश्योरेंस पॉलिसी कवर COVID-19 एक्सपेंसेस? तो मैं आपको बता दूँ कि COVID-19 के एक्सपेंसेस जो पॉलिसी इन्होंने लिस्ट की है, जो लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया, वो कवर नहीं करती COVID-19 के एक्सपेंसेस। तो आपको डोमेस्टिकली कोई और जो है ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी जो कोविड के एक्सपेंसेस भी कवर करती है, जैसे कि 100K US डॉलर्स के लिए हो गई या 50,000 US डॉलर्स की शायद ही मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि शायद मिले, लेकिन ये आप उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि टाटा AIG हो गया, रॉयल सुंदरम हो गया, ICICI लोम्बार्ड हो गया, तो आप उनसे चेक कर सकते हैं एक बार कि वो आपको सजेस्ट क्या करते हैं, ठीक है। यूजुअली जो इंडिया में कवरेज की कॉस्ट पड़ती है वो आपको कुछ पड़ती है 1100 से लेकर 1500 के बीच में। इसके बाद वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की बात करें, बैंक बैलेंस की बात करें, एडिशनल कॉस्ट की बात करें, तो एक अपडेट तो मैंने भी आपको पोस्ट के थ्रू अपने शेयर कर दिया था कि जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है उसकी जो बैंक बैलेंस की लिमिट है दैट इज़ नाउ रिड्यूस टू 700 Thai baht, ठीक है। और लेकिन जो MMT है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल को लें। यहाँ पे जो वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट होती है यूजुअली सबको पता है कि वो 2,000 Thai baht होती है, तो 4,000 के आसपास आपका वीज़ा पड़ता है। एनीवेज, थाईलैंड पास की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है इन द केस ऑफ फुके, ठीक है। तो उन्होंने COE का ही लिंक शेयर किया है मेरे साथ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिर इसके बाद, क्या इज़ RT-PCR टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट कॉस्ट इंक्लूडेड इन द पैकेज? सो एक्चुअली नॉट, वो अलग से है कॉस्ट, तो वो कोटेशन के अंदर मैं आपको पूरा एस्टिमेट करके दिखाने लगा हूँ, देखते हैं। If not, who will arrange for the same on additional expenses? तो वो हमें ही करना पड़ेगा ऑफकोर्स। उसका लिंक है जहाँ पे आप प्री पेमेंट करेंगे उसकी, तो वो भी मैं आपको जो है कवर करता हूँ कोटेशन के अंदर चीज़ें, ठीक है। पूरी कॉस्ट आपको बताता हूँ कि कैसी सी रहेगी, रहने वाली है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। जो आपके खाने के एक्सपेंसेस हैं, शॉपिंग के एक्सपेंसेस हैं, उनको आप एक्सक्लूड करके ही चलें। तो ये टोटल ट्रिप कॉस्ट है जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी हैं जो इशू की गई हैं कोटेशन के साथ। फुके इज़ ओपन फॉर इंडियंस हु आर डबल वैक्सीनेटेड विद कोविड शील्ड। तो यहाँ पे कोवैक्सीन के बारे में भी मैंने उनसे चेक करने की कोशिश की है, बट दे विल गेट बैक टू मी ऑन दिस। तो मैं बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट, अगर आप मेरे फॉलो करते हैं तो उसमें मैसेज छोड़ दूंगा कि कोवैक्सीन को अभी एक्सेप्ट वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कोविड शील्ड की अभी बात हो रही है यहाँ पे, नो क्वारंटीन अपॉन अराइवल, ठीक है। कस्टमर टू फिल सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री, जैसे मैंने पहले बात की, ठीक है। और प्राइस फॉर RT-PCR टेस्ट कंडक्टेड इन फुके हैज़ टू बी पेड बिफोर ट्रैवल एंड रिसीट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ गेटिंग COE, ठीक है। तो आपको प्री पेमेंट करनी है और उसको आपने COE के अंदर ज़रूर लगाना है। फर्स्ट RT-PCR टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन दिल्ली या मुंबई, जहाँ से पैकेज इश्यूज हो रहे हैं, एट ओन कॉस्ट। वीज़ा ऑन अराइवल एट ओन कॉस्ट, टेंटेटिव कॉस्ट 2,500 Thai baht। ये टेंटेटिव कॉस्ट है, दिस इज़ नॉट श्योर, वैसे यूजली 2,000 Thai baht ही रहती है। सेकेंड RT-PCR टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट फुके एयरपोर्ट एट अराइवल 2,500 Thai baht एट ओन कॉस्ट। तो ये तो इतनी है रहेगी। थर्ड RT-PCR टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट फुके एयरपोर्ट बिफोर डिपार्चर टू इंडिया 2,500 Thai baht एट ओन कॉस्ट। फॉर किड्स बिलो 18 years ट्रैवल इज पॉसिबल इफ accompanied बाय adults हु आर फुली वैक्सीनेटेड। द किड्स विल हैव टू अंडरगो RT-PCR टेस्ट, सेम कॉस्ट एज adults, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक बात आती है, मेरा सवाल था कि क्या एंटीजन रैपिड किट जो है उसकी भी जो कॉस्ट यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो कोटेशन है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंदर ये चीज़ वैसे स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी डायनामिक हैं, चेंज हो रही हैं। और उनका ये कहना है इस बारे में कि उनको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके मुताबिक इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं। और इसके अंदर एंटीजन रैपिड टेस्ट किट की अभी कोई बात नहीं है, अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको जाने से पहले या ड्यूरिंग द ट्रिप आपको बता देंगे। ये थे टर्म्स एंड कंडीशंस, अब देखते हैं कोटेशंस कैसी रहती हैं।
तो ऑल राइट गाइस, मेरे सामने यहाँ पे कोटेशन, तो दो लोगों की कॉस्ट बनती है यहाँ पे 90,490 दो लोगों के लिए, ठीक है, एडल्ट्स के लिए। एडिशनल एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात करें तो एक आरटीपीसीआर टेस्ट आपको घर से करा के जाना है, तो दिल्ली या मुंबई में अगर आप रहते हैं तो आप लगा लीजिए, हाई साइड पे लेके चलते हैं, 1200 रुपये कॉस्ट पड़ती है जैसे कि एक आरटीपीसीआर टेस्ट की, दो लोगों की पड़ेगी कुछ 2400। वीज़ ऑन अराइवल की बात करें थाई भाट में, ये टेंटेटिव कॉस्ट है 2500, वैसे 2000 थाई भाट ही है, जो कि 4,000-4,500 के बीच में आपको पड़नी चाहिए। तो लेकिन अगर हायर साइड पे लेके चले यहाँ पे, तो आप दो लोगों की लगा सकते हैं 11,324। सेकेंड आरटीपीसीआर टेस्ट की जो कॉस्ट है वो 2500 थाई बाट है, और ये तो श्योर है कि इतनी है, और दो लोगों की कॉस्ट बनती 11,324। फिर से जो लास्ट आरटीपीसीआर टेस्ट कॉस्ट होगा आपका बिफोर यू कम बैक टू इंडिया, तो उसकी भी कॉस्ट है 2500। तो दो लोगों की लगा के चलें तो 11,324 बनती है। फिर अगर आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है जिस कोविड के एक्सपेंसेस कवर करती है, जो कि इनकी इंश्योरेंस में नहीं है देखने को मिली हमें, तो वो है 1500 × 2 कर लीजिए आप, कम से कम हाई साइड पे लेके चलते हैं 1500 की एक, तो 3000 वो हो गए आपके। तो जो ऊपर आपके एक्सपेंसेस हैं वो कुछ बनते हैं 39,372, और इसका अगर टोटल लें तो बनता है 1,26,862। अब इसके अंदर आप कुछ और भी खर्चे लगा सकते हैं, तो ये पैकेज हो सकता है कि आपको 1.5 लाख के अंदर पड़े, और इनफैक्ट ज़्यादा भी पड़ सकता है अगर आप शॉपिंग करते हैं इसमें। अगर आप डिपेंड करता है पैकेज पे, आप कस्टमाइज पैकेज लेते हैं जिसमें एक्टिविटीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड हो वो आपको हायर साइड पे पड़ेगा, नहीं तो आप जो एडिशनल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उसको भी आप इसमें ऐड करके देख लीजिए, तो कुछ 1.5 लाख के आसपास आपको ये पैकेज पड़ेगा। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वॉज इनसाइटफुल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, सभी वीडियोस को, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा। और दिस वॉज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने जो दी है आपकी जनरल नॉलेज के लिए दी है, अवेयरनेस के लिए दी है, तो होपफुली इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। कोई और सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जवाब देने का। इसके अलावा मैं टैट के साथ भी कुछ मीटिंग या कुछ बातें करने जा रहा हूँ, तो होपफुली लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम, तो मैं आपको सभी डेवलपमेंट के बारे में बताता जाऊँगा अपने चैनल के थ्रू। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।